नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 सितंबर सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के दौसा पंचायत चुनाव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नांगल राजावतान पंचायत समिति में कांग्रेस के दिनेश बारवाल निर्विरोध प्रधान बने हैं। भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन नहीं भर पाया, समर्थक प्रस्तावक नहीं होने से नामांकन नहीं हुआ। विधायक मुरारीलाल मीना ने रिकॉर्ड बनाते हुए बताया कि नांगल राजावतान में पहला निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुआ। वहीं जयपुर जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से बागी होकर रमा देवी चोपड़ा ने जिला प्रमुख का पर्चा भरा है। रमा देवी भाजपा के सपोर्ट से जयपुर जिला प्रमुख बनने की तैयारी में है। रमा देवी के साथ एक सदस्य भी भाजपा के कुनबे में चला गया। रमा देवी कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें सिंबल दिया और रमा चोपड़ा को भाजपा के सदस्यता भी दिलवाई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम की मौजूदगी में रमा देवी भाजपा में शामिल हुई। प्रदेश में कल मंगलवार से मानसून मंगल करेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होने से सूखे की मार है। प्रदेश में राजस्थान की सामान्य की तुलना में 7% बारिश कम हुई है। अलवर जिले के बहरोड़ विधायक बलजीत यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 10 दिन के भीतर मारने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है, यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार अलवर के बहरोड़ के दुगेड़ा निवासी अनंत राम ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बहरोड़ विधायक बलजीत यादव को 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पोस्ट डालने वाला युवक अनंतराव महाकाल गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही बहरोड़ पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीकर जिले के धौंद थाना इलाके के चौकी के इंचार्ज पर उसके द्वारा दस्तयाब कर लाई गई युवती से ज्यादती का आरोप लगाए गए हैं। एसपी को सौंपे गए परिवाद में युवती का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने चौकी में उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद चौकी इंचार्ज के खिलाफ धौंद थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि धौंद इलाके की रहने वाली युवती के बारे में परिजनों ने 10 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती को रायसिंह नगर से चौकी इंचार्ज सुभाष 29 अगस्त को सीकर लेकर आया था। युवती ने एसपी को सौंपे गए परिवाद में बताया कि पहले गाड़ी में उसके साथ अश्लील हरकत की और इसके बाद सुबह 4 बजे बयान लेने के बहाने चौकी के कमरे की लाइट बंद कर उसके साथ गलत काम किया। चौकी इंचार्ज ने अधिकारियों को बताया कि उसके साथ महिला कांस्टेबल थी और यह आरोप झूठे आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 चोर किराना की दुकान में चोरी करने के बाद नाचते दिखे। इस दौरान वे 1 लाख रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पार कर ले गए। चोरों ने दुकान में डांस करते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि खैरवाड़ा के रानी छाणी मार्ग पर मोक्षधाम के सामने MM एजेंसी किराना दुकान पर चोर दुकान के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। दुकान में रखे काजू बादाम सिगरेट गुटखा तंबाकू के पैकेट्स चोरी किए। माल की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गले में पड़ी हजारों रुपए की नकदी भी चोर ले भागे। चोरी करने के बाद चोरों ने दुकान के अंदर मस्ती से डांस किया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद के चलते भाई ने अपने ही छोटे भाई की निमर्मता से हत्या कर दी। हत्या के बाद पहुंची पुलिस ने शव को खिरोदा CHC पहुंचाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के बठेड़ा के समीप सत्तावाल गांव में दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान खेत पर काम कर रहे नरपत सिंह की बड़े भाई करण सिंह से बहस हो गई। इसी दौरान आवेश में करण सिंह ने कूंट से हमला कर दिया। धारदार हथियार के हमले से नरपत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी करण सिंह रिटायर्ड पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र में शिक्षक दिवस के दिन एक कलयुगी शिक्षक की असली करतूत सामने आई है। एक घर में किराए से रहकर विधवा महिला को अपने जाल में फंसा लिया। फिर 30 वर्षीय इस विधवा महिला के साथ यह शिक्षक अविवाहित होने का झांसा देकर 4 वर्ष तक देह शोषण करता रहा। साथ ही उसके खाते से 1 लाख रुपए भी निकाल लिए। पीड़िता को शिक्षक के विवाहित होने की जानकारी होने पर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बताया कि सवाई माधोपुर निवासी एक शिक्षक उसके मकान में किराए पर रहता था।
आरोपी शिक्षक ने अविवाहित होने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। पीड़िता ने बताया कि जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो बाड़ी कोर्ट में 18 अप्रैल 2017 को स्टाम्प पर लिखित में शादी कर ली, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद आरोपी शिक्षक मकान से चला गया। भरतपुर जिले के बयाना बसेड़ी सड़क मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 1 व्यक्ति की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें धौलपुर जिले के बसेड़ी से अपने गांव सिंघनिया लौट रही बाइक सवार रानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गुड्डन और उसकी भाभी गुड़िया की RBM जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मध्य रात्रि को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सिंघनिया निवासी युवक गुड्डन अपनी पत्नी रानी और भाभी गुड़िया के साथ बाइक पर सवार होकर धौलपुर जिले के बसेड़ी से अपने गाँव सिंघनिया लौट रहा था। इसी दौरान उनकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी। पुलिस टक्कर मारने वाली कार की तलाश कर रही है। आगरा पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मुकेश ठाकुर के पिता ने की सोमवार को सुबह मौत हो गई। ठाकुर की मौत के बाद से पिता सदमे में थे। परिवार ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की थी। बेटे के गम में पिता की मौत के बाद गांव में शोक छाया हुआ है। राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला गैंगस्टर मुकेश तीनों राज्यों में 38 आपराधिक मामले में फरार चल रहा था। 2 हत्या सहित कई बड़े गुनाह कर चुका था। UP की आगरा पुलिस ने ठाकुर का एनकाउंटर किया था। हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय मुकेश ठाकुर कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने लगा। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। मुकेश ठाकुर के भाई सुरेश ने बताया कि आगरा पुलिस के फर्जी एनकाउंटर में उसके भाई की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पिता की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। कोटा जिले के रामगंज मंडी के चेचट थाना क्षेत्र के देवली कलां गांव में अवकाश पर आए एक जवान ने खेत पर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक पप्पू यादव सुबह 5 बजे घर से निकला और खेत में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है कि मंगेतर की मौत के बाद पप्पू यादव परेशान रहता था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।